बीते दिन से ही सोशल मीडिया पर यह खबर काफी वायरल हो रही है कि नताशा स्टैनकोनविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का तलाक हो रहा है। यहां तक कहा गया कि हार्दिक और नताशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स ले रहे हैं और डाइवोर्स में बतौर वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट हार्दिक नताशा को अपनी 70% ऑफ दी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि हार्दिक की 70% संपत्ति नताशा स्टैनकोनविक को मिलेगी। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है तलाक के बाद पत्नी के एलिमनी राइट्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मेंटेनेंस कितना होगा ये पति की इनकम, प्रॉपर्टी और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। कोर्ट ये सब देखते हुए तय करती है कि पति पर मंथ अपनी पत्नी को कितना खर्च देगा, और अगर पत्नी कामकाजी है तब भी वो गुजारा खर्च मांग सकती है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी अपनी कमाई पर्याप्त न हो। ऐसे में ही पत्नी गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर पुरुष अपना खर्च उठाने में सक्षम ना हो तो वो अपनी कमाऊ पत्नी से गुजारा खर्च मांग सकता है। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के तहत ये प्रावधान है, जहाँ पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पर गुजारा खर्च का दावा कर सकते हैं। अब आते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुए डाइवोर्स पर। तो बता दें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी एलिमनी और वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट दिया जाता है, लेकिन अगर तलाक के वक्त पत्नी ये लेने से मना कर दे, ऐसे में उसका मेंटेनेंस राइट खत्म हो जाता है। इस एक्ट में सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड असेट्स प्रोविजन भी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पति को अपनी 70% संपत्ति देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों की आपसी सहमति से हो रहा है। जाते जाते बता दें कि अब तक नताशा और हार्दिक की डाइवोर्स की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। उल्टा नताशा तो हार्दिक के भाई के पोस्ट बेहद प्यारे कमेंट्स कर, ऐसे में हो सकता है कि ये सिर्फ र्यूमर हो और कुछ भी नहीं। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।